देखिए थोड़ा कैमरामैन हमारा नया है, रास्ते से हम गुजर रहे हैं। आगे देखिए गाइस, रास्ता ही नहीं है, सीधे दीवार से निकले। हे शिवाय तो स्वागत है आप सबका, आप सभी के चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम आ गए हैं हरिद्वार और आगे हमारा बहुत सारा प्लान है, तो बहुत सारे सरप्राइजेज मिलेंगे आपको इस सीरीज़ में। आज हम पहले दिन अभी हरिद्वार ही पहुँचे हैं फियोना के साथ, उसकी एक ट्रिप बाकी थी, ड्यू थी, तो हम इसको यहाँ हरिद्वार लेकर आए हैं। और बहुत ही भीड़ है और बंदर भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, पार्किंग की थोड़ी समस्या है। तो अभी हम बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो हम दिल्ली से रात को निकले थे 2:10 और यहाँ पहुँचे हैं हम करीब करीब 6:30 बजे हम पहुँच गए यहाँ पे। और रास्ते में हम 15-20 मिनट के लिए रुके थे, तो अब हम थोड़ा सा गंगा माँ के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे ऋषिकेश की तरफ। और उसके आगे पे कुछ प्लान है तो आप ये देख सकते हो पूरा व्यू। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है इतनी सुबह भी, अभी सुबह के बज रहे हैं 7। तो चलिए अब आगे फिर मिलते हैं, बने रहिएगा इस ब्लॉग में, आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, एक्साइटमेंट मिलने वाला है। हमारा प्लान है हम नीति वैली तक जाएं, देखते हैं हम जा पाते हैं कि नहीं। तो चलिए वेट एंड वॉच। तो मैंने अभी थोड़ा सा पानी छिड़क लिया है माँ गंगा का शुद्धि के लिए, क्योंकि अभी मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मुझे ड्राइव करना है आगे। और अब हिमानी और महक जा रहे हैं आगे। तो ये कुछ व्यू आपके लिए ऊपर पुल से हट्टी पौड़ी का, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत गंदगी तो है ही, तो वो तो हमें ही देखना होगा, बाकी भी बहुत ही अच्छा। शिव जी है वहाँ पे, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ ही दिख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू। सुबह सुबह हर की पौड़ी से आपके लिए आपके अपने चैनल पे लेकर आया हूँ, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही एक्साइटमेंट पूरा का पूरा ट्रिप आने वाला है आपके लिए, हमारी कोशिश, हम नीति वैली जाएंगे, देखिए जा पाते हैं कि नहीं। टेम्परेचर वहाँ -2 चल रहा है, स्नोफॉल हो रहे हैं, मौसम की जानकारी और रोड की कंडीशन पे सब कुछ डिपेंड करता है कि हम आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो फाइनली करीब करीब 12 बजे हम पहुंच गए हैं संगम देवप्रयाग। और ये देखो आप, दो नदियां मिल रही हैं यहाँ पर, लेकिन कलर तो एक ही ऐसा लग रहा है। और वहाँ उस जगह नीचे आप देख सकते हो, वहाँ पर लोग नहा रहे हैं, वहाँ पर करके नहा सकते हो। तो अभी तक हमें होटल मिला नहीं है, तो हम अभी आगे बढ़े जा रहे हैं जोशी मठ की तरफ। तो आपको आगे चल कर फिर बताएंगे एग्जैक्टली कौन कौन सी नदियाँ यहाँ मिलती हैं। देखिए थोड़ा कैमरामैन हमारा नया है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और देखिए आपके लिए कितना खतरनाक रास्ते से हम गुजर रहे हैं जोशी मठ के लिए। ये बहुत एडवेंचरस रास्ता है ये। वीडियो को पूरा देखिए, पूरी सीरीज देखिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे आपके लिए इतना खतरा लेकर आए हैं हम, खतरों के खिलाड़ी सीजन 7। देख रहे हो आप, ये तो फिर भी नॉर्मल है, अभी आप देख रहे हैं जब छोटा रास्ता आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कैप्चर करें। टू टनल, ये आपके लिए टनल भी लेकर आए हैं, स्पेशली बनवाया था टूटा हुआ। ये औरत अपना शक्ल पहले देखती है रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ नहीं कर सकते हम गाइस। लाइट मैंने ऑन कर दिया है। ये आ गया उत्तराखंड का अटल टनल छोटू सा, एंड टाडा। भाई आगे रास्ता की जगह दीवार में फोड़ेंगे क्या? आगे देखिए गाइस, रास्ता ही नहीं है, सीधे दीवार से निकलेंगे। हमें जाके आगे बोलना है खुल जा सिम सिम। नहीं नहीं, है रास्ता, और ये रास्ता आ जाएगा, ये रास्ता। और कितना ही मजेदार सा व्यू है, रास्ता है, पत्थर है, पहाड़ है, ये देखिए। मुश्किल है, मैंने रात में पहाड़ पे गाड़ी चलाई थी, तो
लाल गंगा सोनी को हमने शुभमंत्र किया बार मत निकाल ये देखिए गाइस तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ही खतरनाक रोल ओवर होगा अभी दो नंबर गियर पे और मैंने गाड़ी चढ़ाई है तो ऐसे रास्ते में अगर आप आ रहे हैं तो आपको दो नंबर गियर पे गाड़ी चढ़ानी चाहिए ताकि गाड़ी को पूरा पावर मिले स्टीप चढ़ाई है आपको वीडियो में उतना शायद रिफ्लेक्ट ना हो लेकिन पूरी घुमावदार है सांप की तरह और बहुत ही खड़ी चढ़ाई है तो पहले मैं भी पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एक बार मसूरी में ऐसा किया था ये देखो आप और हॉर्न जरूर दे दे क्योंकि बस बहुत स्पीड में आती है ऐसी जगह में और हर से उतर जाती है देख रहे हो आप कैसे हम चढ़ रहे हैं इतना खतरों के खिलाड़ी आपके लिए सीजन 7 लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए हमारे पास सेलिब्रिटी भी हैं महक राजपूत हिमानी राजपूत और फियोना आश्वित आनंद और बिंदु राजपूत इनको हम सांप बिच्छू भी खिलवाएंगे अभी जंगलों में तारे चेकिंग बहुत ही तगड़ी हो रही है इलेक्शन के कारण हर जगह हमें रोका जा रहा है जिसके कारण दो मिनट रोकते हैं हमारा 10 मिनट टाइम आगे बढ़ जाता है पहाड़ों में ऐसा ही होता है भाई लोग लंग सिंह प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड शेयर शेयर देन अगेन शेयर और करते रहे शेयर शेयर क्या पता आपको शेयर मिलने का मिल जाएगा और खाने का ऑप्शन भी ज्यादा नहीं है तो खाना थोड़ा खा पी के आओ होटल पहले ही बुक करके आओ हमने होटल भी बुक नहीं किया हमने एडवेंचर किया हम बस चले जा रहे रतनाम की गलियों में वैसे रतनाम की गलियां नहीं है जोशीमठ की गलियां हैं जोशीमठ मठमठा रहा है हमारा तो ये है हमारा होटल आज का द तत्व जो हमने लिया है और इधर से ये सारा कुछ चल रहा है और ये रही फियोना और ये इधर वॉशरूम ये टेलीविज़न ये लाइट और ये वार्डरोब तो फाइनली हम जोशीमठ पहुंच गए हैं रास्ते बहुत ही पतले कभी चौड़े ऐसे हैं ये बालकनी व्यू है यहाँ का और बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है और आपको मॉर्निंग में व्यू दिखाऊंगा ये रेस्टोरेंट है यहाँ का तो बहुत ही सुंदर है खाना आपको चक्के बताएंगे कैसा है तो ये थोड़ा ऐसा व्यू है बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है बहुत ही मज़ा आ रहा है ठंड बहुत ही ज़्यादा हो गई है और ये रही फियोना मैडम हाफ नाप बंद हो गया है बहुत एक्साइटेड है फियोना बहुत एक्साइटेड है घूमने आई है और ये एक रूम हमें पड़ा है 4800 का तो हमें दो रूम मिला है अभी हम ज़्यादा कुछ ऑप्शन ढूंढ नहीं पाए क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे अभी हम लगभग 7 बजे पहुँचे हैं होटल और हम वहाँ से हरिद्वार से चले थे करीब करीब आपके हमें चलते चलते 10-11 बज चुके थे तो हम यहाँ फाइनली पहुँच गए जोशीमठ के मठ के जो रोड हैं वो बहुत पतले हैं तो आप सेफली ड्राइव करें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तभी कर पाओगे मैं नहीं बोलता मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ बट मैंने पहली बार ट्राई किया और पहली बार अंधेरे में मैंने ड्राइव किया है और सेम ही रूम ये तीन एक उधर रूम है उसमें 3 लोग भी सो सकते हैं तो उसमें बिंदु महक और बाकी लोग उसमें रहेंगे और मैं और फियोना इस रूम में रहेंगे और ये है कुछ बाहर का व्यू इस होटल का नाइट व्यू पूरा पूरा और रेस्टोरेंट तो दिखा दिया इधर ये क्लब एरिया है ऊपर स्नूकर्स खेलने का भी है तो आप देख सकते हो और ब्रेकफास्ट के साथ है 4400 में सॉरी नॉट 4400 ब्रेकफास्ट के साथ और ये बाहर बैठने का भी एरिया तो हमें बहुत ही अच्छा है कॉटेज मिला है और इसी के अंदर अभी हम रहने वाले हैं आज रात गुजारेंगे और कल का प्लान अनदर सरप्राइज तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने हमने डिनर ऑर्डर किया है और ये रहा रेस्टोरेंट यहाँ हम डिनर कर सकते हैं और ये पूरा व्यू जोशीमठ का रात का आपको सुबह में और भी अच्छे से दिखाऊंगा सारा व्यू इधर किचन है इनका क्योंकि थक गया बहुत ज़्यादा मैंने अराउंड 13-14 आवर्स ड्राइव किया और ये देख सकते हो इधर
बहुत ही सुंदर है, सारा कुछ बहुत सुंदर से सजा रखा है इन्होंने अपनी डाइनिंग हॉल। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। सबसे अच्छी बात है कि ये पेट फ्रेंडली है, प्रॉपर्टी पेट फ्रेंडली है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने। बस आपका पेट एग्रेसिव नहीं होना चाहिए और हल्ला नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स किसी अलग, अगर अलग गेस्ट को परेशानी होगी तो कोई भी होटल वाला रखना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए अब जैसे फियोना की आदत बहुत ही अच्छी है, उसको पता जहाँ पर पता चलता है वहाँ से सपोर्ट ही कर लेती है, या हल्ला नहीं करती, आवाज़ नहीं करती, आपको पता ही, आपने पहले भी देखा है कि उससे वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसी हैं, ये देखिए चुपचाप बैठी है बस। तो ये हमारा आ गया है पास्ता, नहीं ये हमारा पास्ता। क्यों ना क्यों और हमारा आ गया है अब पिज्जा। तो ये रहा चिकन पिज्जा, चिकन टिक्का पिज्जा। तो ये अब आ गया है, देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है यहाँ का फूड, तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं टेस्ट करके बताऊंगा आपको कैसा था। तो सर्व हो गया पिज़्ज़ा और मैंने डाल दिया इसमें केचप, और अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको स्वाद कैसा है। यम्मी है, यम्मी, मज़ा आया, स्वादी स्वाद, मज़े हैं भैया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बोल दिया अच्छा है, बहुत टेस्टी है। देखा, आई हैव प्रूफ, गुड। और फियोना के लिए हमने बॉयल चिकन ऑर्डर किया था जो इसने फिनिश कर दिया। फाइनली बेचारे को भूख लगी, सुबह से कुछ नहीं खाया इसने ट्रैवल के कारण, मुझे मेरा बच्चा ऐसा है तो गर्मी भी लगी बहुत ज़्यादा। अब पास्ता टेस्ट करने जा रहा हूँ। ये इन्होंने बोला शायद वोडका डाला, वोडका पास्ता है, थोड़ा सा कड़क वोडका इसमें डल गया मलाई मार के। ये है पास्ता, बहुत गर्म है, मेरे मुंह में जा रहा है। पहली बार पास्ता मुझे टेस्टी लगा सही में, वरना पास्ता मैं खाता नहीं। I don't like pasta because I am not agri pasta, you know. अभी तक तो खाना अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी, बहुत ही केयरफुल वाले लोग हैं, सॉरी बहुत ही केयर करने वाले लोग हैं। थोड़ी सी गंदी इंग्लिश हो गई, पहाड़ों में ठंड लग रही है, इंग्लिश भी गलत हो जा रहा है ठंड के कारण, सॉरी फॉर दैट। सुंदर सा नान है, इतना बड़ा बड़ा, और ये अपना राड़ा चिकन। अब हम इसकी पूर्ति करेंगे। अगर ये आ गया मेरा चिकन और नान, तो अब मैं इसको खाने जा रहा हूँ, का टेस्ट बताता हूँ आपको खा के कैसा है। और ये राइस भी हमने ऑर्डर किया था, स्टीम राइस। तो राइस मैं नहीं खाऊँगा, मैं रात को नहीं खाता राइस। और चिकन रारा ट्राई करते हैं विथ नान। अच्छा है, खाना अच्छा है यहाँ पे सही, वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस द तत्वा।
आप आओ जोशीमठ में और यहाँ पे जरूर रुको, मैं रेकमेंड करूँगा। प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं, वो तो आपको पता है, हर होटल की कहानी है, बट सर्विस और लोग बहुत ही अच्छे हैं। और आपके पास पेट है तो स्पेशली आप आ सकते हो यहाँ पर। तो चलिए खाना ख़त्म करते हैं, भूख लगी है, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा 13-14 hours ड्राइव करने के बाद। उसके बाद एक प्यारी से नींद लेंगे और आपसे मिलेंगे कल एक नए दिन में और एक नई वीडियो के साथ। इसको जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ये सीरीज़ का एंड नहीं है, अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। का व्यू या हाथी पर्वत है ना, हाथी के शेप में पूरा। तेरी बात तेरे वही तेरा बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया, अगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर झोला तो जाएगा पीछे छोड़े, मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए।